ऑल राइट, हे गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे ट्यूटोरियल में। और थैंक यू गाइस, आपने टेलीग्राम पे 1000 सब्सक्राइब कर दिए हैं और कंप्लीट हो चुके हैं, और वो ग्रुप 1000 पीपल्स तक हो गया है। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और क्या कहते हैं, अचीवमेंट्स है मेरे लिए। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ट्यूटोरियल में। और अगर आपको इसकी PNGs डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जा सकते हैं। टेलीग्राम पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपका टेलीग्राम में खुल जाएगा फ़ोन में ऐप। और अगर आप पे टेलीग्राम नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको टेलीग्राम लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो आप टेलीग्राम ऐप में जाएंगे, सर्च में लिखेंगे मेरा नाम सारवेन, चैनल का नाम भी वही है, और जस्ट आप सर्च करेंगे तो बिल्कुल आप टेलीग्राम के ग्रुप पे ही लैंड करेंगे डायरेक्ट, और वहाँ आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारी PNGs वहीं मिल जाएंगी। सो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और परफेक्ट भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं आप स्टार्ट करता हूँ हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने की। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये लेयर ले रखी है, अपनी फ़ोटो ऐसे मैंने क्लिक कर रखी है, और जस्ट फिर यहाँ मैंने एक आइस की PNG ले रखी है। तो ये PNGs मैं आपके साथ एक्सपोर्ट कर देता हूँ अभी, और ये अंडर आइस में शेयर कर देता हूँ मैं, और इसका नाम आइस डाल देता हूँ। सो इसमें एक पहले से ही है इमेज शायद ये वाली, लेकिन ये वर्क नहीं करेगी। सो ये आइस की इमेज आ गई है यहाँ पे। अब आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली अपना फेस, ठीक है। और जब आप फेस इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो इसमें बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट करनी होगी। यहाँ मैंने ह्यू सेचुरेशन से डाउन कर रखी है अपने स्किन टोन को। सो आप ये सेलेक्ट करेंगे पॉइंट, और यहाँ से कोई भी स्किन सेलेक्ट करेंगे तो वो सेचुरेशन का ऑप्शन दे देगा आपको। तो सेचुरेशन बिल्कुल डीप लेके जानी है आपको डाउन, और जितनी आपको बेटर लगे उस हिसाब से। फिर उसके बाद कलर बैलेंस में आना है, थोड़ा ब्लू लेने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और शेडो में आना पड़ेगा। यहाँ पे हर किसी को आपको पहले वाले को 18+ करना पड़ेगा, फिर 12, फिर -10, सब लेफ्ट साइड जाएंगे आपके। और फिर मिड टोन्स में भी आपको थोड़ा इधर आना पड़ेगा, इधर क्योंकि ज़्यादा स्किन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इधर आके आपको करना है, और ये 3 और -1 करना है आपने। हाईलाइट्स में भी आपको थोड़े चेंजेस करने हैं, +1, 4 और 10 का, ठीक है। इससे एक डीप सी कलर आ जाता है कलर बैलेंस में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने कर्व से थोड़ी सी ब्राइटनेस कर रखी है, और कर्व में मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने कुछ एडजस्ट नहीं करा, मैंने क्लिक ऑटो कर रखा था और उसने बस इधर ड्रैग कर दिया और हल्का सा इधर। सो यही बस एक चीज़ थी इतनी। अब उसके बाद मैंने यहाँ ऐड करे थे अपने फेस के ऊपर मार्क्स, तो ये मार्क की मैंने PNGs भी शेयर कर रखी हैं बहुत पहले से, लेकिन मैं अभी भी कर देता हूँ। मार्क, ठीक है। अब उसके बाद मैंने मार्क को भी थोड़ा सा वो येलो येलो दिख रहा था तो उसको भी हटाया था। उसे कैसे मैंने हटाया, मैंने ह्यू सेचुरेशन की सीधी लेयर डाली और यहाँ पे कुछ क्लिक नहीं करा, और जस्ट यहाँ से इसको ड्रैग करके सेचुरेशन को डाउन कर दिया। अगर मैं यहाँ ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं फ़र्क आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये चीज़ सही थी। फिर उसके बाद मैंने ब्राइटनेस डाली थी कि फेस थोड़ा डल हो रहा था, तो यहाँ ब्राइटनेस मैंने डाल दी। उसके बाद यहाँ थोड़े मैंने बबल्स डाले हैं, तो इसकी PNGs भी आपको चाहिए होंगी। और ये सारे बबल्स की PNG मैंने नेट से निकाली है, थोड़ा टाइम लगा के निकाली है, तो प्लीज़ देखें उसे कि फेस के ऊपर बबलिंग्स रहे, पानी के अंदर है। और यहाँ मैंने कर्व की मदद से थोड़ा सा डाउन कर रखा है और ब्लू कलर अचीव कर रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं ब्लू थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर, मतलब हाफ ऑफ बॉक्स आपको ऊपर नीचे करना है। और यहाँ पे रेड ग्रीन मैंने छोड़ा नहीं है, और रेड को भी थोड़ा सा नीचे करा है हाफ बॉक्स इधर, तो हाफ बॉक्सिंग इधर ही करना ज़्यादा बेटर रहता है। और फिर कर्व से मैंने हैंड का कलर चेंज कर रखा है, कर्व को मैंने थोड़ा सा ड्रैग डाउन करा है इतना नीचे, दो बॉक्सेस, क्योंकि उससे थोड़ी एक अलग टोन आ जाएगी। और ये अलग टोन से मेरे को यहाँ फ़ायदा हुआ कि ये चीज़ आ गई है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जस्ट ब्रश से इसे फैदर ब्रश लेंगे आप, थोड़ा सा ऐसे वाला फैदर, हार्डनेस 0 रखेंगे, यहाँ से हार्डनेस 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको पेंट करना है, और जहाँ भी आपको ब्लैक कलर चाहिए आप वहाँ पेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यू एंड सेचुरेशन से मैंने और थोड़ी सेचुरेशन निकाली है फ़ोटो में से, क्योंकि ये ओवर सेचुरेटेड लग रही थी मुझे किसी पॉइंट पे, तो मैंने यहाँ ओवर सेचुरेशन कर दी थी। तो यहाँ थोड़ा सा अगर मैं यहाँ से ये क्लिक करूँगा स्किन टोन, तो आप देख सकते हैं यहाँ सेचुरेशन कम करके और थोड़ी लाइटनेस भी बढ़ा रखी है यहाँ से, ठीक है। तो
तो इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये मार्क्स में मैंने ओवरले के मदद से, ओवरले पे जब आप ब्लेंडिंग मोड करेंगे उस लेयर का, और फिर यहाँ से आप ब्रश सेलेक्ट करेंगे और ब्लैक ब्रश लेंगे, तो वो वहाँ ब्लैक पेंट करेगा, आप देख सकते हैं, और वो डार्क पेंट करेगा ब्लैक। तो यही मैंने बहुत छोटा करके ब्रश ऐसे यहाँ पे यही कर रखा है, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी बहुत लो कर रखी है मैंने, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड इतना नहीं था, ओपेसिटी आप लो करके पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है। अब मेन पार्ट आते हैं ग्लो पे। ठीक है, तो ग्लो डायरेक्ट है, कोई वो नहीं है आपके लिए, मैंने जो क्रिएट किया है मैं आपके लिए शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वो ग्लो आ गया। अब इसको ग्लो को कैसे बनाया, क्योंकि सब पूछते हैं भाई आप PNGs दे देते हो लेकिन बताते नहीं हो। तो यहाँ मैंने एक और आई के लिए बनाया था, ये वाली चीज़ के लिए। ठीक है, तो मेरे को एक ही आई में चाहिए था, तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से डिलीट किया होगा, कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैंने एक रिंग बनाई है यहाँ पे, और रिंग इलिप्स टूल से बनाई है ऐसे, जस्ट हल्का सा ड्रैग करके। ठीक है, और फिर जैसे आप ये कर लेंगे, राइट क्लिक और स्ट्रोक करके यहाँ पर साथ डालना, और जिस कलर की आपको रिंग चाहिए उस कलर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसी को डुप्लीकेट कर रखी है, डुप्लीकेट नहीं, यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं करी है, ये बस डायरेक्ट रिंग है। और यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग मोड से पेंट कर रखा है, यहाँ कलर लिया मैंने, कोई भी कलर ले सकते हैं आप, जस्ट लाइक मैं ग्रीन ले लेता हूँ, तो ग्रीन थोड़ा नीचे वाला, और ओके। और फिर यहाँ पे ओवरले में जब मैं पेंट करूँगा, आप देख सकते हैं ओवरले इस साइड पे करता रहता हूँ, तो ओवरले से देख सकते हैं आप कितना अच्छा वहाँ पे एक सडल सा ग्लो आ गया है। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने इधर भी कर रखा है, यहाँ धीरे धीरे ये देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा करा है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ हार्ड लाइट यूज़ कर रखी है कि वो थोड़ा एक पॉइंट मिल जाए मेरे को अच्छे से, और हार्ड लाइट आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हार्श है, तो इसे थोड़ा संभल कर यूज़ करें यहाँ पे। और अगर आप पे टैबलेट नहीं है, तो ओपेसिटी को आप बिल्कुल डाउन कर सकते हैं 1 पे, और फिर धीरे 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 आप पेंट कर सकते हैं। अगर आपको 1 नहीं लगता तो 8 तक भी जा सकते हैं, और आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप यही पाएंगे चीज़। ठीक है, हार्ड लाइट का कंसेप्ट। और अब उसके बाद मैंने एक और हार्ड लाइट डाली है, लेकिन वो इस बार सेंटर पे डाली है, ओपेसिटी कम करके ऐसे। ठीक है, तो इससे इतना फ़र्क पड़ता है हार्ड लाइट, ब्लेंडिंग मोड, ब्लेंडिंग मोड की बात होती है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ रिम लाइट ड्रॉ कर रखी है, और उसका ट्यूटोरियल है चैनल पे, तो आप वो ज़रूर वॉच करें, और फिर इसे वॉच करें तो आपको ज़रूर समझ में आएगा रिम लाइट कैसे ड्रॉ होती है, पेन टूल से, ब्रश से, कैसे भी। और मैंने उसमें सब करके दिखा रखा है, मैंने माउस यूज़ करा है उसमें शायद। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ भी थोड़ी सी रिम लाइट ड्राइंग करी है, और फिर यहाँ मैंने एक पिन लाइट ड्रॉ करी है। पिन लाइट से क्या होता है, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। पिन लाइट बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड टूल है, और कोई यूज़ नहीं करता, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं ग्रीन पेंट करके दिखाऊँ तो कितना अच्छा वो सडल ग्लो देता है, और बिल्कुल स्किन में ब्लेंड हो जाती है वो चीज़। तो यहाँ ही ये भी यही चीज़ हुई है, स्किन में ब्लेंड हो गई है वो बहुत अच्छे से। और फिर उसके बाद मैंने हैंड पे थोड़ा सा ग्लो डाला, पिन लाइट आप देखेंगे वो रिम लाइट कैसे ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ थोड़ी थोड़ी मैंने ओवरले की मदद से वाइट ब्रश लिया है मैंने यहाँ पे, और फिर जस्ट जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा ग्लो चाहिए तो वैसे वैसे मैंने करा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ग्लो को कंप्लीट करता है। अगर आपसे नहीं बन पाता तो PNG मैंने शेयर कर रखी है, आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे एक स्टैम्प लेयर क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैंने कर्व्स डाले हैं थोड़े से कि कॉन्ट्रास्टी इमेज लगे, जस्ट हल्का सा यहाँ पे डाउन डाउन कर रखा है। ठीक है, फिर कलर एफेक्ट्स यूज़ कर रखे हैं मैंने। कलर एफेक्ट्स एक बहुत अच्छा टूल है इंटरेक्शन का, जिससे थोड़ी कॉन्ट्रास्ट इमेज अचीव होती है, और अच्छे लेवल पे अचीव होती है। और यहाँ मैंने ब्राइटनेस डाली है, और यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट मैंने ऐड कर रखा है आई में दोबारा से, और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है सिंपल, कोई अलग नहीं है, कॉन्ट्रास्ट बहुत इंक्रीज कर रखी है। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरा लोगो, नहीं ये तो ब्लैंक लेयर है थोड़ी सी, यहाँ पे लोगो, और फिर कंप्लीट जो भी मेरे को ब्लेंडिंग मोड पसंद में आता है। सो थैंक यू गाइज, आपने इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक देखा, इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताया मैंने कि कैसे कैसे कर सकते हैं आप अचीव, और बहुत ही सिंपल है यार ये, अराउंड ज़्यादा देर नहीं लगी है,
इस ट्यूटोरियल को बनाने में मेरे को 10 मिनट तक लग गए हैं, और तब भी लंबा ट्यूटोरियल हो गया है, कोई बात नहीं। सो प्लीज़ ऐसी इमेज क्रिएट करें, और जब आप इमेज क्रिएट कर लें तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करें और अपना हैशटैग सारवेन जरूर यूज़ करें, क्योंकि मैं जो भी इमेज अच्छी लगती है तो मैं उसे ज़रूर शाउट आउट देता हूँ, और आपको भी मिल सकता है और आप भी गेन कर सकते हैं अच्छा फेम थोड़ा सा। जितना मेरे पे है यार मैं उतना कर सकता हूँ, मेरे पे मिलियन फॉलोअर्स नहीं है लेकिन तब भी मैं हर किसी को सपोर्ट करता हूँ। सो थैंक यू गाइज, और हिट करें लाइक को और सब्सक्राइब को, 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी कर दीजिए उसे। थैंक यू गाइज।